हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूँ पॉलमी एंड वेलकम टू माय चैनल बाइफोकल जिंदगी। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी अच्छी हूँ। आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज कुछ अलग सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज का वीडियो है होम टूर का। मैं मेरा ये छोटा सा फ्लैट का टूर कराने वाली हूँ आप लोगों को। तो ये मेरा 1 BHK रेंटेड अपार्टमेंट है, ये मुंबई में है और मैं और मेरे हस्बैंड रेंट पे यहाँ पे रहते हैं। तो ये एक 1 BHK फ्लैट है, छोटा सा फ्लैट है, उतना खास कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल वे से मैंने इसको रखा है। तो जो भी है मेरा छोटा मोटा घर, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगे। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट पे बताना कि कैसा लगा है, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो नेक्स्ट मिलता रहे। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और मैं आपको मेरा ये छोटा सा फ्लैट का एक टूर कराती हूँ। ये है मेरा मेन डोर। मेरे दरवाजे के ठीक राइट साइड पे एक फ्लैट है, फिर सीढ़ी पड़ता है। ऑपोजिट साइड्स पे और 2 फ्लैट है और उसके ठीक पास में है लिफ्ट। उसके बाद ये मेरा मेन डोर। तो चलिए मेन डोर से अंदर चलते हैं। तो मुंबई में ना हर एक फ्लैट में 2 दरवाजे होते हैं, पहला वाला सेफ्टी डोर और उसके बाद जो मेन डोर होता है वो। तो यहाँ पे भी सेम है। तो मेन रोड से जैसे ही हम एंटर करते हैं तो मेरा घर कुछ इस तरीके का दिखता है। सामने ही डाइनिंग टेबल है। तो चलिए आराम से आपको पूरा घर में दिखाती हूँ। तो मेरे घर में घुसते के साथ लेफ्ट साइड पे ये टीवी मैंने रखा है और सामने ही डाइनिंग टेबल है और उसके ऊपर एक वॉल है जिसको मैंने थोड़ा सा फ़ोटो फ्रेम के साथ डेकोरेट किया है। तो डिटेल में मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना टीवी रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे और उसके ठीक नीचे एक शू रैक है। शू रैक के ऊपर मैंने एक फेक प्लांट रखा है। उसके ठीक साथ में रखा है मेरा और मनोजीत का एक फ़ोटो फ्रेम और उसके बाद है एक बुद्धा का स्टैचू और नीचे ये शू रैक है जिसको मैंने एज ए टीवी यूनिट आप बोल सकते हो यूज़ कर लिया है। दिखने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे है मेरा मेन डोर। तो मेन डोर से जस्ट एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे ये मैंने रखा है और ये वॉल कुछ इस तरीके का दिखता है मेरे घर पे। उसके बाद ठीक अब नेक्स्ट है मेरा डाइनिंग टेबल। ये एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल है लेकिन मैंने यहाँ पे 3 चेयर्स ही रखा है और एक चेयर मैंने अंदर कर दिया है क्योंकि जगह का कमी है इसलिए। और उसके ठीक ऊपर जो वॉल है उसको मैंने एज ए मेमोरी वॉल टाइप बनाया है। इस पे मेरा और मनोजीत का शादी का फ़ोटो, फिर मेरे मम्मी पापा के साथ फ़ोटो, मेरे इन लॉज के साथ फ़ोटो, मेरे भाई का फ़ोटो, फिर मेरे सिस्टर इन लॉ का फ़ोटो, ये सब मैंने यहाँ पे लगाया है जस्ट एज ए मतलब मेमोरी वॉल। कोई भी घर पे एंटर करता है तो पहले यही दिखेगा और मेरे घर वालों के साथ सबका मुलाकात होगा, कुछ इस हिसाब से मैंने इसको सजाया है। नेक्स्ट ये डोर है जिससे अंदर की तरफ जाना होता है हम लोगों का। और उसके बाद राइट हैंड साइड पे मैंने रखा है अपना मंदिर, छोटा सा मंदिर, और उसके पास ही घड़ी मैंने रखा है। और ये है मेरा एक सोफ़ा कम बेड जिसको मैंने अभी बेड बना के ही रखा है। हम दोनों यहाँ पे बैठ के या लेट के कभी कभी टीवी वगैरह देखते हैं इसलिए इसको मैंने बेड ही बना के रख दिया है। और उसके ठीक पीछे है बालकनी जिसको हम लोग वैसे यूज़ उतना नहीं करते हैं, जस्ट एज ए स्टोरेज पर्पस हम लोग यूज़ करते हैं उसको। और इसके साथ जो एक डोर आपको दिख रहा है ना, उसके उस तरफ और एक रूम है जिसमें ओनर ने अपना सामान सारा डाल के रख दिया है। ये एक्चुअली एक 2 BHK फ्लैट है लेकिन 1 BHK करके ओनर ने रेंट पे दिया है। तो हम लोग इस पोर्शन में रहते हैं और वो रूम हमेशा लॉक ही रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे
लैपटॉप का बैग रखा हुआ है, मैं थोड़ी देर पहले ही काम कर रही थी इसलिए यहाँ पे ही रख दिया है। और यहाँ पे है एक टी टेबल, जैसे कि हमने सोफ़ा कम बेड को बेड बना के रखा है तो इसलिए टी टेबल को हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। और इसके ऊपर छोटा मोटा दवाई वगैरह और थोड़ा बहुत जो सामान है मेरा, ट्राईपॉड वगैरह, ये सब मैंने यहाँ पर रख दिया है। और इसके ठीक साइड में ही है मेरा मेन डोर। तो कुछ ऐसे ही है मेरा ये पूरा सा रूम, जो ड्राइंग कम डाइनिंग आप बोल सकते हो, इसको कुछ इस तरीके से मैंने सजा के रखा है। बहुत ही सिंपल वे से रखने की कोशिश किया है मैंने, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स भी नहीं रखा है, क्योंकि जितना रखूँगी उतना मेंटेन करना भी पड़ता है। और जैसे कि रेंट पे रहते हैं हम लोग तो कभी कभी शिफ्ट करने में भी बहुत तकलीफ़ हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा सामान हो तो। तो चलिए अभी अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर में जाते ही फर्स्ट एक कॉरिडोर है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे है बाथरूम टॉयलेट, सीधा है मेरा बेडरूम और राइट साइड पे है किचन। तो चलिए एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसा है ये। तो ये जो सामने दो डोर्स आपको दिख रहे हैं ना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो डोर है वो है मेरा बाथरूम का डोर और राइट हैंड साइड पे जो है वो है टॉयलेट। तो ये दो यहाँ पे है। मुंबई में बाथरूम और टॉयलेट हमेशा अलग अलग ही होता है। और सीधा है मेरा बेडरूम जो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ, और राइट हैंड साइड पे है किचन। तो चलिए किचन को एंटर करते हैं। किचन में लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है फ्रिज, इसके ऊपर टोस्टर और थोड़ा बहुत सामान मैंने रख दिया है। उसके बाद आता है मेरा फिल्टर पानी का। उसके बाद है ये दो रैक बना हुआ है जिसमें मैं सारा सामान अपना रखती हूँ, ज़्यादातर डब्बियाँ मैं कोशिश करती हूँ अंदर ही रखूँ। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर है, यहाँ पे गैस स्टोव है, और मैं बहुत ज़्यादा सामान किचन में भी नहीं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा सामान किया भी नहीं है, क्योंकि नहीं तो मेंटेन करने में बहुत तकलीफ़ हो जाती है। और ज़्यादातर चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ जो कि ये मॉड्यूलर किचन है तो अंदर ही रहे, तो ज़्यादातर सामान मैं अंदर ही रखती हूँ। और ठीक राइट हैंड साइड पे रखा है मैंने अपना वॉशिंग मशीन, और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक केटल रख दिया है। तो ये वॉशिंग मशीन के नीचे ना व्हील वाला स्टैंड है, तो जब भी वॉश करने का होता है मैं इसको खींच के बाथरूम के सामने ले जाती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। तो दरवाजे के लेफ्ट हैंड साइड पे है फ्रिज और राइट हैंड साइड में है वॉशिंग मशीन। तो कुछ इस तरीके का दिखता है मेरा किचन। तो छोटा सा किचन है, अपने वे से रखा है, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा कुछ मैं डेकोरेटिव आइटम्स भी कुछ भी किचन में अभी नहीं रखी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ऑयली हो जाता है सब चीज़, इसलिए मैं बहुत कम सामान किचन में रखना पसंद करती हूँ। तो इसके बाद किचन से सीधा चलते हैं मेरे बेडरूम की तरफ। ये एक 1 BHK फ्लैट है तो एक ही बेडरूम है। तो बेडरूम में एंटर करते ही सबसे पहले मिलता है मेरा बेड, जो कि ऐसे मैंने प्लेस किया है। उसके दरवाजे के ठीक राइट हैंड साइड पे है एक चेयर, जो कि डाइनिंग टेबल का जो एक्स्ट्रा चेयर है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे है एक और एक इजी चेयर टाइप, जिसको हम लोग कभी कभी बैठने में यूज़ कर लेते हैं। ये जो विंडो है उसके साथ ही, मतलब थोड़ा सा बैल्कनी टाइप है जिसमें हम लोग कपड़े वगैरह सब डालते हैं, मतलब स्टैंड नहीं कर सकते, घर से ही डालना पड़ता है। और ये इस चेयर में कभी कभी बैठ के रिलैक्स करते हैं। और ये ट्रॉली यहाँ पे नहीं रहता है, अभी थोड़े ही दिन में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसलिए पैकिंग के लिए मैंने निकाला है। और यहाँ पे है मेरा बेड। बेड के ठीक इस साइड पे मैंने अपना 3-door वार्डरोब रखा है, और वार्डरोब के ऊपर है AC। और ये वार्डरोब और विंडो के बीच थोड़ा सा जगह है जिसमें मैंने अपना लॉन्ड्री बैग रख दिया है। तो सारे कपड़े जो धुलने के होते हैं वो यहीं पे रखती हूँ मैं, और उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालने टाइम डाल देती हूँ। तो मेरा बेडरूम कुछ इस तरीके का दिखता है। बेडरूम में भी कोई ज़्यादा सामान मेरा नहीं है, मैं बहुत ही सिंपल वे से घर को रखती हूँ और मुझे मेंटेन करने में तब आसानी हो जाती है। तो ये है मेरा छोटा सा 1 BHK फ्लैट जिसमें एक बेडरूम है, एक ड्राइंग कम डाइनिंग है, किचन है, तो और ऐसे ही मैंने सजा के रखा है। तो कैसा लगा ये ज़रूर बताना मेरा ये फ्लैट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग सामने आने वाले हैं घूमने का, ट्रैवल का। तो मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग बाई फोकल जिंदगी।